हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनिता बात हो दा वालेकुम, बताइए। अंता अफू खान आयना अंता अंता अफू खान आईवा आईवा आयना अंता आईना फिल एमपी एमपी आईना अंता आईना अंता यूपी इलाहाबाद। कैसा हाल? हल तकल्लम باللغة العربية الحمد لله ثم الحمد لله। कैसा हाल? الحمد لله حالي طيب الحمد لله وكيف انت كله الله هات الله الصمد انت الحمد لله رب العالمين انت حمار ايوه ايوه مويا مويا انت حمار अंता उमार अंता कल्ब अंता अली बाबा अंता मुकन्ना अंता ही मन ला 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 अना वलदुन ला 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 अल्हम्दुलिल्लाह अना वलदुन ताल 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 लाबाद ताल लाबाद अंता मुकन्नस अंता मुअन्नस ताल ताल अंता मुकन्नस हलंता सोच कल्बुन सोगी अरबी का। अब बताओ क्या काम है भाई? हलंता सोच कल्बुन भाई, पता है अरबी में भी खाली तुमने गालियां देना सीखी है। ठीक है, बरेलवी लोग सिर्फ गाली देना सीखते हैं। काम अरे लुगत अभी तुम्हारी बता रही है। ये बताओ, जो ये कुंडे है, कुंडे को भाई वो लुगत में क्या कहते हैं? हफीज कहते हैं। हफीज क्या होता है? हफीज को कुंडे को अरबी में हफीज कहते हैं, जाके देख लो आप। नहीं, हफीज का माना क्या होता है? हफीज का माना कुंडा होता है। कुंडे को फीस कहते हैं? हाँ कहते हैं। तो ये किस चीज का नाम है? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कुंडे का नाम है। अरे अल्लाह बंदे, मैं आपसे कहूँ, आपका नाम है आदिल और आदिल इंसान का नाम है। अब इंसान का नाम क्या है आदिल, आदिल का नाम क्या है इंसान है। अब मैं पूछ रहा हूँ इंसान क्या होता है? अगर ये कह रहे हो कि इंसान आदिल होता है तो ये बात गलत है ना। इसी तरह कुंडे है, अफू की मीनिंग क्या होती है? अफू का माना होता है जो किसी से ना डरता हो, निडर। हाँ, कुत्ते की तरह। हाँ तो भाई थोड़ा मतलब जल्दी बता दीजिए, क्या काम था आपको? आप बिजी हो क्या अभी? हाँ बिजी थे, इसलिए तो पूछ रहे हैं। क्या कोई खास काम था? खास काम होगा तो बात कर लोगे आप? हाँ खास होगा तो बात कर लेंगे ना। अब अगर आपको फालतू का टाइम पास करना है तो भाई बहुत सारे लोग हैं, उनको फोन कीजिए, आराम से टाइम पास कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप जो हिदायत वगैरह का हवाला दे रहे थे कल अब्दुल्ला मुंबई वाले को, अब्दुल्ला भाई मुंबई वाले को कौन सा था? बोला मैं और अफू भाई अच्छे से बात कर लेंगे भाई अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हिदाया का जिल्द नंबर दो और सफा नंबर कुछ बता रहे थे कि वो इमामत के इमामत वगैरह हनफी मजहब में क्या है, वो कैसा, वो हवाला मुझे भी दे दीजिए थोड़ा। वो हवाला दे देंगे, हिदाया मैं लेके बैठा हूँ, जिल्द नंबर दो लेके बैठा हूँ। और किताब का पहले आप मुसन्निफ का नाम बताइए, किताब ने लिखी है के साथ वो पूरी नहीं है मेरे भाई। आप अंधे मुकल्लिद, आपके लिए इतना ही काफी है। इमाम का कॉल, अब इमाम का कॉल आ गया, वहाँ सारी बातें खत्म। आप बात को इत्मीनान से सुनिए। आपकी मेरे भाई दुर्रे मुख्तार में भाई ये लिखा हुआ है, ठीक है? दुर्रे मुख्तार जो है उर्दू में नहीं है, मैं उर्दू नहीं, उर्दू में भी है। ये किस जाहिल ने कहा कि उर्दू में नहीं है? मैं पास नहीं है ना, मेरे पास जो अरबी में बात तो आपके पास नहीं है तो क्या जरूरी है दुनिया में किसी के पास ना हो? उर्दू में उसका भाई तर्जुमा हो चुका है, किसी मेरे भाई शरा हो गई है, शरा का नाम है रद्दुल मुख्तार। उनसे मिलिए, उर्दू जो पढ़ता है, मैं देखिए भाई बुखारी में पढ़ता हूँ इंग्लिश और उर्दू, सॉरी अरबी, मतलब जितनी किताब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब अरबी इबारत में पढ़ता हूँ। अरबी इबारत तो अरबी आप कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उर्दू में ना हो।
नहीं, तो आप जो है देखिए, कब्र में अरबी बोली जाएगी, जन्नत में अरबी बोली जाएगी, मेरे नहीं, प्यारे ऐसा कुछ नहीं है, ये कहाँ का उसूल है कि मेरे भाई वो दलील तो हम चाहते हैं कि अरबी में अरबी में हदीस अरबी अगर में, मैं तो अरबी में आपसे अरबी आपका दलील मांगने लगूं कि अल्लाह के नबी की किसी हदीस से ये जो कुंडे का अल्फाज है उसको अरबी में साबित कीजिए, आप जो हवाला हमें कि अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि तुम अफीस मनाया करो, अभी आपने क्या कहा था कुंडे को अरबी में अफीस कहते हैं ना, तो आपके लिए अरबी हुज्जत है, तो एक अल्लाह के नबी की हदीस बता दीजिए कि अल्लाह के नबी ने सहाबा से अरबी में कहा हो कि तुम अफीस मनाओ, अफीस की फातिया करो, अफीस की नियाज करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से मुझे एक बात ये बता दीजिए कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी भी जो है गिलाफे सहाबा का अगर हुक्म दिया हो कि जो है काबे शरीफ का गुस्ल किया करो, काबा शरीफ का गुस्ल का हुक्म है कहीं हदीस पे, बता दीजिए मुझे किसका गुस्ल? काबा शरीफ का जो साल में एक मरतबा आप लोग गुस्ल करते हो काबा शरीफ का, ये इसका हदीस हुक्म है? काबा शरीफ का गुस्ल तौहीद की तीन किस्में आपने बताई अपनी तरफ से, क्या ये हदीस में है? नहीं नहीं, ये जो पहले आपने कहा काबे शरीफ का भाई वो मतलब वो गुस्ल, ये मतलब क्या चीज है, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, काबा शरीफ का जो गुस्ल देते हैं क्या वो हदीस से साबित है, क्या गुस्ल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? किसको काबे शरीफ का गुस्ल दिया भाई? एक साल में एक मरतबा जिस नजदीक कुत्ते जो साल में एक मरतबा कुत्ता तो भाई आला हजरत था, अब आप आला हजरत को कुत्ता कहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुत्ता हूँ भाई, मदीने वाले का कुत्ता हूँ मैं। मदीना के तो तमाम कुत्तों को मार दिया गया था, तो आप मेरे पे जिंदा कैसे? अच्छा, आप भाग के इंडिया आ गए हो, आप इंडियन कुत्ते हैं, इंडियन कुत्ते भाई, आप भारतीय कुत्ते हैं, इंडियन डॉग हैं, तो आप अपने आप को मदीना का कुत्ता कैसे कह रहे हैं? एक कुत्ता होता जिसका नाम, ये बताइए आप तो इंडिया में है, तो आप तो इंडियन डॉग हुए ना, तो मदीना के कुत्ते कैसे हो गए? और मदीना में तो कोई कुत्ता है ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इमाम जामी क्या कहते हैं, सदर रात वो तो बताइए आप, इमाम पर किसी दूसरे इमाम की तरफ हम आपको भागने नहीं देंगे, आपके लिए जो आपके मतलब के इमाम है वो है इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह। क्या इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह ने अपने आप को कभी कुत्ता बोला? मैं क्या कह रहा, इमाम जामी ने खुद को कुत्ता कहा यार। तो आप मेरे भाई किसके मुकल्लिद हैं, इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह के हैं कि नहीं है? तो इमाम जामी को नहीं मानोगे आप? नहीं, हम तो सारे इमाम को मानेंगे ना, आपके वहाँ है तकलीद शक्ति, यानी कि एक शख्स को खाली आपने अपना इमाम बनाया है, वो है इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह। क्या इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह ने अपने आप को कुत्ता बोला? सुनिए ना, नहीं हम तो सुनी रहे, मेरा तो जवाब आप दीजिए, आप खुद ही बोलते रहते, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते। तशबीह जो होती है वो मिन कुल्लिल वजूह नहीं होती है, तशबीह नहीं, ये सब आप बातें ना कीजिए इतनी बड़ी बड़ी, आप ये सिंपल बताइए, आपकी हाँ। दुर्वे मुख्तार में भाई ये साफ साफ आया हुआ है कि जो इमाम के कॉल को रद्द करे उसके ऊपर रेत के जर्रों की बारिश हो। उर्दू बिल्कुल नहीं आती, जब तक आप उर्दू, आप उर्दू नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आएगी उर्दू मुझसे, पढ़ नहीं आती किताब। आपको सिखा देते हैं उर्दू, आला हजरत काफ से अलिफ थे, आपके आला हजरत काफ से अलिफ थे, काफ से अलिफ मतलब कुत्ता, जवाब दे आला हजरत आपके कुत्ता से, ये इनका कॉल मेरे पर लिखा हुआ है अनवारे गजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, और मुझे हदाई के बच्चे में आया है, नकल किया उसने भी अपने आप को कुत्ता लिखा है सीरत अल बुखारी। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, मदीना के कुत्तों को किसने बनाया था? इबारत पढ़िए, मदीना के कुत्तों को भाई किसने बनाया था? वो सब बात की बात है, मदीना बात की बात कैसे, माज अल्लाह, अभी आपने कहा कि आप मदीना के कुत्ते हो, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि मदीना के कुत्ते थे उनको किसने बनाया था? असहाबे कैद का कुत्ता जन्नत में जाएगा, पता नहीं कुत्ते की क्या क्वालिटी होती है। नहीं, कोई जानवर मेरे को जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत इंसानों के लिए वफादारी ली जाती है, जन्नत इंसानों के लिए। ये आपको किस जाहिल ने बताया कि जो कुत्ता है वो जन्नत में जाएगा? कहाँ लिखा है? पूरे कैद पढ़ लीजिए 15वां पारा। नहीं, उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो कुत्ता है वो जाएगा जन्नत में? कहाँ लिखा है, कौन सा में जन्नत में जाएगा? बस आ गए ना अपनी औकात पे। वही तो बोल रहा हूँ, कुत्ता जन्नत नहीं, इंसान की शक्ल में कुत्ता जन्नत में, तो वो इंसान जाएगा ना। कुत्ते कुत्ता है ना, कुत्ता इंसान की शक्ल में जाएगा भाई वो। तो हम मदीने वाले जब कुत्ते, हम भी इंसान की शक्ल में। मदीना के कुत्तों को किसने पैदा किया था?
किसने बनाया था? तुम्हें किसने पैदा किया भाई? इंसानों को तो अल्लाह ने बनाया, जानवरों को भी अल्लाह ने बनाया, लेकिन जो ये मदीना के कुत्ते हैं उनको उनको किसने बनाया? सुनो, सबको अल्लाह ने पैदा किया, यानी कि मदीना के कुत्ते को अल्लाह ने बनाया? क्या कह रहा हूँ कि जानवर को अल्लाह ने पैदा नहीं किया? नहीं, पैदा नहीं किया, बनाया भाई। अल्लाह सुभान व तआला ना तो किसी को पैदा करता है ना किसी से पैदा हुआ है, ठीक? बनाया हक है, अल्लाह ने पैदा हर सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया ना। नहीं, पैदा नहीं किया मेरे भाई, बनाया। पैदा अलग चीज उसमें होगा। अच्छा खैर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मदीना के कुत्ते को अल्लाह ने बनाया ना? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल ख़लाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा किया। ज़ईफ़ हदीस है मेरे भाई, ज़ईफ़ साबित कीजिए आप मुझे। अरे अल्लाह के नबी मेरे भाई कब पैदा हो रहे हैं आपको मालूम नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, जो जो मेरे भाई हाथी वाला वाकया था, ठीक है, उसके बाद अल्लाह के नबी पैदा हुए हैं। आप कह रहे हो अल्लाह के नबी को सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, माज़ अल्लाह, बेशक बनाया अल्लाह के नबी नूर थोड़ी ना थे, वो तो इंसान से बशर थे। अरे भाई, अल्लाह के नबी इंसान थे, वो नूरी मखलूक नहीं थे, आपको यही नहीं पता? अगर वो नूर होते तो ना वो खाते पीते, ना सोते जागते, ना उनको तकलीफ होती, ना दर्द होता। नूर तो नूर होता है, ना फरिश्ता होता है। और अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, और इसकी दलील क्या है? जब अल्लाह के नबी भाई वो मिराज की रात पे गए तो आसमान से जब आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी से कहा, आओ प्यारे बेटे, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह के नबी हैं, वो मिट्टी से बने हैं ना कि नूर से बने हैं। एक हवाला अगर ऐसा दे दो। अरे अल्लाह सुभान व तआला कुरान में कितनी आयतों में फरमाता है कि हमने इंसानों में से एक इंसान को नबी बना के भेजा, जाके सूरह अंबिया पढ़ो, ठीक है? इंसान के इख्तिलाफ तो हमारे हैं, मैं भी नबी को बशर मानता हूँ, तुम भी बशर मानते हो। नहीं, ये तो मेरे भाई दोगलापन वाला ईसाइयों वाला कीदा हो गया ना, जैसे आधे ईसाई कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम थे वो अल्लाह थे, आधे कहते हैं अल्लाह के बेटे थे, तो वही अकीदा का भी हो गया। आप कहते हो कि आधे इंसान थे, आधे नूर थे, इंसान भी थे नूर भी थे, ईसाइयों से मुनाजरा। तो आप भी मेरे भाई बाकी हमारे नबी तो मुर्दों को जिंदा किया कर रहे, तुम्हारे नबी के अंदर तो ये भी क्वालिटी नहीं, क्या कहोगे तुम? नहीं, हम कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम भाई वो मुर्दों में जान डालते थे अल्लाह सुभान व तआला की मदद से, हुक्म से, अपनी पावर से नहीं करते थे। अता से वो मुर्दों में जान डालते नहीं, थे ना? अता नहीं, अता तो अलग हो गया, ये अकाई पावर आप अपने पास रखिए। जैसे आप लोगों ने अता अता बोल के नबी को अकाई में गैप भी दे दिया, अकाई नूरी भी बना दिया और अकाई अकाई करके पूरे दीन का बेड़ा गर्क कर दिया, तो ये अकाई वाला अल्लाह अपने पास रखिए। सुनिए, मवाहिदुल लदुनिया। अरे चलिए वापस आइए टॉपिक को मेरे भाई, बड़े बड़े बोल अच्छे बात ना दीजिए। अभी आप देखिए, आपका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बात कीजिए, ज्यादा आलिम बनने की कोशिश ना कीजिए। मेरी एक बात, अभी आप अंगूठा चूसने वाले बच्चे हैं। ये बताइए, मदीना को भाई, जो मदीना के कुत्ते को अल्लाह ने बनाया, आप फिर बोलना, मेरी एक बात बता लीजिए। नहीं, मेरी खाली एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि जो मदीना के कुत्ते थे उनको अल्लाह ने बनाया। हर बात सुनूंगा मैं आपकी, हर बात सुनूंगा, सिर्फ एक बात मुझे बता दीजिए, सिर्फ एक बात। अरे तो बोलोगे कि बार बार कहते रहोगे सिर्फ एक बात। हमने ऐसे बोला क्योंकि आप जो सुनने वाले हो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं। अल्लाह ने तुम्हें मेरे कान बहुत तेज है, कानों में अल्लाह ने मोहर लगा दी, पता नहीं, हमारे कान बहुत तेज हैं, बताइए। तुम बहरे हो, सुनने के बाद भी बहरे हो। सुनो, मैंने अभी आप चेंज कर रहा हूँ मैं, आप एक हवाला मुझे ऐसा दे दीजिए, एक हदीस मुझे बता दीजिए, कुरान की एक आयत बता दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर नहीं, कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे सकता है, बैल दूध दे सकता है, आप दलील नहीं दे सकते। अभी चैलेंज है मेरा, दलील दीजिए जिसमें ये लिखा हो नूर नहीं है, ये लिखा होना चाहिए। अबे जाहिल, अबे के तेरे हिसाब से बनेगी हदीस? जवाब दे दो। मैंने जो देखो नहीं, ये कौन सी बात है कि नूर नहीं है या अल्लाह का, तो ये जब अल्लाह सुभान व तआला ने सूरह अंबिया में फरमा दिया कि अल्लाह के नबी इंसान थे, तो इंसान थे मतलब वो नूर नहीं थे, वो जिन नहीं थे, बात हो गई ना? अल्लाह ताला ने एक जगह कह दिया कि बेशक ऐ नबी आप तो एक इंसान हो, बशर हो, और हमने इंसानों में से, बशर में से एक इंसान को चुना,
तो बात साफ हो गई कि वो इंसान थे यानी कि नूर नहीं थे, वो आग से नहीं बने थे, वो नूर से नहीं बने थे। मैं जैसा पढ़ के बता रहा हूँ, पढ़ के बता नहीं, आपने जो मेरे भाई हदीस पेश की है वो अचल नजदीक की गई है और बाद मुहद्दिसीन ने उसको कहा है कि वो मौजूद अजय की हदीस है। सूरह माईदा सफा नंबर 9 पे जाके देख लो, इसकी तस्वीर देख लो, तस्वीर अब्दुल्ला इबन अब्बास, नूर से मुराद वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आयत पढ़ो, हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास के ऊपर भी फतवा लगा दो। अरे मेरे भाई तफसीर इबन कसीर जो भाई तफसीर है वो सबसे आला तरीन तफसीर है अहले सुन्नत के वहाँ। तमाम लोग का ये भाई ये मौकफ है कि जो तफसीरों की किताब है उनमें सबसे बेहतरीन जो किताब है वो तफसीर इब्न कसीर की है, और तफसीर इब्न कसीर में आता है कि वहाँ नूर से जो मुराद है वो जो किताब है उसके बारे में कहा गया है। जो ये कुरान है वो नूर है मेरे भाई हिदायत का, और अल्लाह के नबी को नूर मानते हैं बेशक, अल्लाह के नबी नूर थे, हिदायत के नूर थे, लेकिन वो नूरी मखलूक नहीं थे। आप बोलिए, आप इतने अरे यार सुनोगे या खुद ही आला हजरत के आला नसल के कुत्ते की तरह भौंकते जाओगे? आप अल्लाह के नबी को हम नूर मानते हैं लेकिन नूरी मखलूक नहीं मानते, दोनों बातों में फर्क है। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आप क्या कह रहे हैं, मेरे को क्या पता, मेरे को इल्मे गैब पूरी ना है आपके वलियों की तरह। वो तो है ही नहीं, वो तो तुझे है ही नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला को है, ना तो अल्लाह के नबी को है, ना आला हजरत को है, ना यकूब खान को है। इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह तआला को है। फलाय सिर वला गैबी अहदा इल्ला मन इर्तजा मिन रसूल वमा कान अल्लाह लियुतलियकुम अला गैबी वलकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलि मन यशा मा कान वमा कान अल्लाह। और भी अभी कुरान की आयत है तो तुझे समझ में आ जाता कि इस जमीन और आसमान का इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला को है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा ना। चलिए आगे आते हैं, पर बाद में बात करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि अरे ठीक है मेरे भाई, मेरी तो बात सुनोगे। अभी आपने कहा एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो फिर मैं आपकी सुनूंगा। अब मैंने जवाब दे दिया तो आप मेरी नहीं सुन रहे हो। आप तो जवाब कहाँ दे रहे हैं मेरे भैया? आपने सवाल कैसा पूछा? आपने सवाल पूछा कि एक आयत दिखा दो जिसमें लिखा हो कि अल्लाह के नबी नूर नहीं थे, ये अल्फाज के साथ दिखा दो। तो मैं भाई मैं कुरान की आयते अपने आप से तो बना नहीं दूंगा, कुरान को समझना पड़ता है। अल्लाह सुबहान तआला ने बता दिया कि अल्लाह के नबी इंसान थे, तो हमको ता कयामत तक इंसान ही मानना है। अब ना उनको नूर मानेंगे, फरिश्ता मानेंगे, ना जिन मानेंगे, वो इंसान थे इंसान मानेंगे। पर एक चीज बताइए, अल्लाह के नबी के माँ बाप का नाम क्या था? अरे अल्लाह के नबी के माँ बाप का नाम क्या था? अल्लाह के नबी के जो भाई अम्मा अब्बा थे, माँ बाप थे, वालिदैन थे, उनका नाम क्या था? तुम्हें नहीं मालूम? अब्दुल मुत्तलिब था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो मेरे भाई दादा का नाम था ना, माँ बाप का नाम क्या था? दादा का नाम था ना। हाँ, माँ बाप का नाम क्या था? माँ बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला ने। ठीक ठीक, यानी कि माँ का नाम था आमीना और बाप का नाम था अब्दुल्ला, दोनों इंसान से बोलो, इंसान से इंसान का रक्षा पैदा होता है या इंसान से नूर पैदा हो जाएगा, जिन पैदा हो जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, गाय से गाय पैदा होगी, बैल पैदा होगा, बकरा से भाई बकरी से बकरा पैदा होगा, बिल्ली से बिल्ली पैदा होगी, कुत्ता से कुत्ता पैदा होगा, गधे से गधा पैदा होगा, वैसे ही इंसान से इंसान पैदा होगा ना। अब इंसान से नूर थोड़ा ना पैदा हो जाएगा? तो इतने मुफस्सिर ये सब झूठे हैं, बोल दीजिए। बिल्कुल सही हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है कि अल्लाह सुबहान तआला ने सबसे पहले अपने नूर से पैदा किया अल्लाह के नबी को, ये ज़ईफ़ हदीस है। मोहम्मद अलबाकी ज़ुरकानी रहमतुल्लाहि तआला, अरे ये सब बकवासी मतलब के इनको अपनी जेब में रखो, ये हमारे नजदीक हुज्जत नहीं है। अल्लाह सुबहान तआला ने कह दिया बेशक है नबी तुम तो एक इंसान हो, अभी रोको, अल्लाह सुबहान तआला खुद कह रहे हैं और अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं, पता है तुम्हें, अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, रोजे भी रखता हूँ, नहीं भी रखता हूँ, तो अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं मैं इंसान हूँ, तो तुम अपने आप को मतलब अपने आप से अकीदा भाई तुम काहे के लिए बना रहे हो कि अल्लाह के नबी नूर है? एक हदीस हमको दे दो कि अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा है साहबा मैं तो नूरी मखलूक हूँ, नूरी मखलूक हूँ, एक हदीस दे दो। तो एक हदीस में सैकड़ों हदीस बता रहा हूँ मेरे भैया। अरे तमाम मेरे भाई ज़ईफ़ है, मौजू हदीसें हैं। कौन सी? जो तुमने हदीस पेश की है कि अल्लाह सुबहान तआला ने सबसे पहले अल्लाह के नबी को अपने नूर से पैदा किया माज़ अल्लाह, अल्लाह सुबहान तआला सूरह इखलास में फरमा रहा है
कुल हुवल्लाहु ना, अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ना तो किसी से पैदा हुआ है ना किसी को पैदा किया है, और आप कह रहे हो अल्लाह ताला ने अपने नूर से अल्लाह के नबी को पैदा किया। माज अल्लाह इतना गंदा सीधा, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये मुझे जो ईसाइयों वाला तो सीधा है कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वैसे तुमने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बेटा मान लिया। बहुत बड़े गुमराह हो मेरे भाई। अल्लाह की अता से मेरे नबी पाक। अरे ये अता पता तुमको किसने बताया? तुम खुद मेरे भाई लापता हो। एक एक बात, ये जो तुम हर बात में अता से पता से लापता से, ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। सहाबा का अकीदा क्या था? कि अल्लाह के नबी इंसान है। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि वो लोग गौर से सुन ले, जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को मौत नहीं आएगी। अब वो लोग गौर से सुन ले जो मोहम्मद की इबादत करते थे, मोहम्मद का इंतकाल हो गया है, मर गए मोहम्मद। ये अबू बकर रजी अल्लाह ताला अनु अल्लाह के नबी की वफात पे खुतबा देते हैं, जाके पढ़ लेना बुखारी शरीफ। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे जो है ना उर्दू नहीं आती, तो आप बता दीजिए अरबी इबारत। उर्दू नहीं तो आती आपको? बिल्कुल नहीं आती ना मुझे उर्दू, आप अरबी में पढ़ के बता दो क्या है। आप जो उर्दू अगर आपको नहीं आती है तो जो ये पूजे आप मनाते हैं ये उर्दू में क्यों मनाते हैं? जो शबे बारात आप बनाते हैं ये उर्दू में क्यों मनाते हैं? सब जाहिल, सब रिकॉर्डिंग आपकी सुने, सब लोग आपको जाहिल समझते हैं। यार अरबी आपके लिए उज्जत नहीं है। अरबी अगर आपके लिए उज्जत होती तो भाई कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं और वो कौन सी हदीस में आया है ये आपको मालूम होता। कहते हैं कुंडे को अरबी में? अबे तो हदीस में कब आया? ऐसे तो मेरे भाई गाली भी हदीस, ऐसे तो जो गाली है वो भी मेरे भाई अरबी में। अब क्या उसको हदीस में साबित कर दोगे? अब अंता उमर, अंता कल्ब, अंता अली बाबा, अंता मुखन्नस, उनको भी गालियों को भी अरबी में कुछ ना कुछ कहते हैं। अब जैसे पानी है, पानी को कहते हैं मोया मोया, तो क्या मेरे भाई पानी को दीन बना लोगे? पानी के नाम से कोई मेरे भाई पाकिया स्टार्ट कर दोगे? दुनिया में हर चीज का अरबी में कोई ना कोई तो नाम है, लेकिन वो अरबी का नाम वो हमें कुरान की आयत या अल्लाह के नबी की हदीस में दिखाओ। जैसे भाई तुम लोग मनाते हो शबे बारात, तो इस शबे बारात को अरबी में क्या कहते हैं और ये कौन सी हदीस में आया है वो हमको दिखाओ, तो इंशाल्लाह हम भी मनाएंगे। आपने मदारिज नबुव्वा पढ़े काबिल जल्दी की? अच्छा मेरे भाई, मेरे सवाल का जवाब अपने इंतकाल से पहले दोगे कि नहीं दोगे? आपकी सवाल जो है आप टॉपिक, मैंने आपसे पूछा था कि मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा वहाँ आ गए, बात अपनी यहाँ भी चलेगी नूर हो मेरे भाई। हमने आपका सवाल का जवाब दे दीजिए, अल्लाह के नबी बेशक नूर है लेकिन वो नूरी मखलूक नहीं है। हम अल्लाह के नबी को नूर मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो नूर थे, हिदायत का नूर थे, लेकिन वो नूरी मखलूक नहीं है। वो नूर से नहीं पैदा हुए हैं, वो इंसान थे, बशर थे। अल्लाह के नबी भी सोते थे, जागते थे, लैट्रीन जाते थे, बाथरूम जाते थे, ठीक है, बीवी के साथ सोते थे, हम बिस्तरी करते थे। अल्लाह के नबी भी भाई वो, अल्लाह के नबी भी भाई वो बीमार हुए, अल्लाह के नबी से भी भाई वो भूल चूक हुई, तो वो इंसान थे, वो फरिश्ते नहीं थे। और अल्लाह सुबहान तआला खुद कुरान में फरमाता है कि अगर हम इस दुनिया में फरिश्ते को अगर हम नबी बना के भेज देते तो लोग कहते ये तो फरिश्ता है, इसके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन हमने इसीलिए जानबूझ के एक इंसान को इंसानों में से चुन के भाई हमने नबी बनाया। अपनी तरफ से बात बना के मैं फिर करूँ, बल्कि एक भी हवाला नहीं दिया आपने, एक हवाला नहीं दिया। बता तो रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अंबिया खोल के पढ़ो ना, अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है हमने तमाम अंबियों को इंसान बना के भेजा और इंसानों में से इंसान को भाई हमने नबी बनाया, और आप कह रहे हो कि वो नूर है, वो नूरी मखलूक है। आपने रिकॉर्डिंग हो रही है आपने? अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे को भी पता है। आप ये बता दीजिए मेरे प्यारे भाई अल्लाह के बंदे, सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, बात की जाए तो बात दूसरी रहती है। आप नूर के तरह मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया या नहीं बनाया, आपका अकीदा क्या है? तरीका नहीं होता है, मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया कि नहीं बनाया, आपका अकीदा क्या है? तुम्हारा अकीदा क्या है? नहीं, मेरा तो अकीदा ये है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह सुबहान तआला ने बनाया है, जितनी मखलूक है सबको अल्लाह ने बनाया है। मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए ना, आपका अकीदा क्या है, मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया?
सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे भाई आप अपनी कहते रहोगे तो फोन काट दो, मतलब आप जो पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। एक बात ये बताइए, मुझे एक बात हम ये कुछ नहीं बताइए, बताएंगे, आपने मेरे भाई वादा तोड़ दिया। आपने कहा था मैं एक सवाल पूछ लूँ उसके बाद आप पूछिएगा, अब मैंने आपके सवाल के ऊपर कितनी देर बात कर ली, अब आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। हवा में बात करनी तो मदीना के पूरी, कुत्तों को अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया? अरे पूरी हवा में बात की है मेरे भैया, ठीक है, एक आप भी ही हवा में आप बात कीजिए ना, आप बताइए ना कि मदीना के कुत्तों को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया? सवाल रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको फिर चैलेंज कर रहा हूँ अरे आप आपके चैलेंज करते रहिए, हवाले से। आप ऐसे झोला छाप, लोग चैलेंज करने वाले बहुत चैलेंज करते हैं, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका लामा मेरे नाम से भागते हैं, आपका फारूक खान लैपटॉप भागा, वो बेचारा भागा हुआ है। अगर सामने रहते ना इतना जलील करते हो तो फोन में तुम अरे भाई बात अहले हदीस था, करते कयामत तक खैरियत से रहेंगे और कोई दुश्मन उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अल्लाह के नबी की हदीस है, जामे भाई जामे तिर्मिजी में किताबुल फितन में, एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा तो हमेशा हक पे रहेगा। ये बरेलवी देवबंदी कादियानी तो 1857 से पहले मौजूद ही नहीं थे, ये तो अंग्रेजों के दौर में आए, अबे 1857 से पहले तो एक हदीस और मेरे पास आला हजरत तो अंग्रेजों के भाई तलवे चाटने वाले थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भाई वो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी मेरे भाई वो जिहाद करेगा उसको मेरे भाई उन्होंने फतवा दिया था कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, जिहाद करते हैं, वो करना हराम है, तो अंग्रेजों के मेरे भाई वो गुलाम थे, कोई तुम्हारे इस्माइल दहलवी गुलाम था अंग्रेजों के खिलाफ, कोई गुलाम नहीं था, अंग्रेजों आला हजरत गुलाम थे भाई। के फतावर रज़विया में भाई ये साफ साफ आला हजरत ने कहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफ जिहाद करना ये हराम है, तो अंग्रेजों के गुलाम थे वो, अंग्रेजों के सपोर्टर थे, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उनको बनाया था, मुसलमानों में बिदअतें फैलाने के लिए, तफरका डालने के लिए, फिरकेबाजी करने के लिए, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने उनका सहारा लिया और उन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया की औलाद यहूद नसारा की औलाद, जल्दी बोलो भाई। फिर गाली देने लगे, जब भाई इल्म खत्म हो जाता है, जब सच्चाई आपको बता देते हैं, आपकी किताबों की बात आपके सामने रख देते हैं, तो आपका जिन क्यों जाग जाता है? मैं कौन सी गाली दूं, आला गाली हजरत दूं? का कॉल है, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, और आला हजरत आपके अंग्रेजों के पिल्ले थे, तुम पालतू आला हजरत वाकई कुत्ते थे, सऊदीया के कुत्ते, अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है, ये आला हजरत ने फतवा दिया आपके। उर्दू भी और इसकी दलील अगर चाहिए दलील तो आपको दे दूंगा, अंग्रेज होता है अंग्रेज। अच्छा मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, अगर आपने जवाब दे दिया तो आगे बात होगी, वरना मैं फोन काट दूंगा। मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने पैदा किया या किसी और ने पैदा किया, अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया, आपका कीदा क्या है? किसका? मदीना के कुत्तों को किसने बनाया, अल्लाह सुबहान तआला ने बनाया या मेरे भाई किसी और ने बनाया? मेरे कुत्तों किसने बना, तुझे इतने भी इल्म नहीं है किसने बनाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे तो पता है कि तमाम मखलूकों को अल्लाह सुबहान तआला ने बनाया, मैं आपका कीदा तो पूछ फिर रहा हूँ? वही समझ जा, वही समझ जा मेरे। नहीं आप भी अपनी ऐसे जबान से बताइए ना, आपके जबान पे क्या हो गया, मेहंदी लगी हुई है, आप जवाब दीजिए ना, मेहंदी नहीं लगी क्या, तो आप जवाब दीजिए ना। जो है ना मदीने के कुत्ते हैं, गुलामी करते करते हुजूर की इंशाल्लाह ताला, अरे वो बात की बात है, वो किसकी गुलामी करते हैं, किसकी तलवे चाटते हैं, वो छोड़िए, मदीना के कुत्ते करके हम जन्नत में आज नहीं जा की सकते तारीख में मदीना में कुत्ता ही मौजूद नहीं है, मदीना के कुत्ते साफ हो गए। अब ये पता नहीं इंडिया के जो कुत्ते हैं जबरदस्ती कयास करके कहते हैं कि मदीना के कुत्ते हैं। तुम मदीना कितने बार गए हो बे? भाई तुम मुझे मदीना में एक कुत्ता दिखा दो, कसम से बता रहा हूँ मैं आला हजरत का आला नस्ल का कुत्ता बनने के लिए भाई मैं तैयार हूँ, एक मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने मदीना मुझे बताओ ना, मदीना के कुत्तों को किसने बनाया, आपका कीदा क्या है, अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया? किसको? मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया या किसी और ने बनाया, जल्दी बताइए ना, एक लाइन में डर क्यों रहे हैं? अल्लाह ने बनाया भाई। चलिए ठीक है माशाल्लाह, अब जिन मदीना के कुत्तों को अल्लाह ने बनाया उसके ताल्लुक से आता है कि अगर वो कुत्ता अगर किसी बर्तन में भाई वो मुंह डाल दे तो 7 बार उसको धो, अगर वो कुत्ता किसी के घर में होगा तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, तो जिस कुत्ते को अल्लाह ने बनाया उसके बारे में ऐसा आ रहा है, तो जिन लोगों ने खुद इंसान होते हुए अपने आप को कुत्ता बना लिया, सोचिए वो कितने बड़े नापाक होंगे। तो मुझे एक ही बता दीजिए, आला हजरत और उनके मानने वाले बरेलवी
वो जिस बर्तन में खाना खाते हैं उनको कितनी बार धोना पड़ेगा? अब सुनो, जवाब सुन लीजिए आप। हाँ हाँ जल्दी बताइए। और ये बताइए कि जो जो बरेलवी आला घाट के मानने जवाब वाले हैं, सुन जो लीजिए, अपने आप आप को जवाब कुत्ता सुन कहते लीजिए। हैं, उनके घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं कि नहीं? क्योंकि जिस कुत्ते को अल्लाह ने बनाया वहां तो रहमत के फरिश्ते आते नहीं है, और जिन लोगों ने सुन खुद को लीजिए, कुत्ता बना लिया माज अल्लाह उनके वहां भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते तुम होंगे। बोलते ही जाओ, इसीलिए तो अब हम समझ रहे हैं कि बरेलवी अब बिदतियों मेरी के वहाँ बात तो क्यों नहीं रहमत सुनोगे। है, उनके वहाँ कुरान हदीस की बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो लोग बेचारे कुत्ते हैं। एक कुत्ते कोई सऊदी क्यों पूछे के तेरी बात कुत्ते, रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। सऊदी के बरेलवी कुत्ते सुनो, भाई सलाम सुन तो मेरी अलैका, बात का जवाब बिदती कुत्ते सुन सलाम ले। अलैका, नजदीक भौंकने कुत्ते वाले मुशरिक कुत्ते हो गए तो सलाम अलैका, तूने सलाम काटने सलाम वाले अलैका याद कह कुत्ते दिया। तूने सलाम अल्लाह के अलावा अलैका, किसी को, तुम्हारा इंडियन इस्माइल कुत्ते बेहलवी ने जो है ना सलाम तकवीर तुलईमान पेज नंबर अलैका, 16 पे 118 पे दौड़ाने लिखा वाले है कि कुत्ते जो है अल्लाह सलाम के अलावा किसी को अलैका, या कहकर खुजली वाले तुम्हारा शिर्क कुत्ते है तो तुम मुशरिक हो सलाम गए, तुम अलैका, मुशरिक हो गए, आला मुशरिक हजरत के आला नचल के कुत्ते मुशरिक मुशरिक सलाम मुशरिक अलैका, परवीन अहले गौसे अजीज आजम अहले के खबीस कुत्ते कुत्ते सलाम करते हुए अलैका, इलियास अहले कादरी के अफू कुत्ते यजीद सलाम अफू अलैका, यजीद लता यजीद का बाबा के भाई कुत्ते सलाम अलैका। अहले